हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल कुक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा ग्लूटन फ्री रागी का चॉकलेट स्लाइस केक। बहुत ही टेस्टी है, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, सुपर मॉइस्ट है और सबसे बड़ी बात एगलेस है। बिल्कुल ब्रिटानिया केक के जैसा इसका टेक्सचर है। मुँह में डालते ही घुलता है, हाथ लगाते ही टूटता है, लेकिन एगलेस है। ब्रिटानिया केक मैदे से बनाया जाता है, एग से बनता है, लेकिन इस केक में मैंने किसी तरह से मैदे का यूज़ नहीं किया है, आटे का भी यूज़ नहीं किया है और किसी एग का भी यूज़ नहीं किया है। ये होल रागी से बनाया हुआ केक है जो कि ग्लूटन फ्री है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है और स्वीटनेस एकदम बैलेंस है। एक स्लाइस खाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका बस हो गया। एक स्लाइस खाते ही आप रुक ही नहीं पाएंगे, ये इतना टेस्टी है खाने में। सुपर मॉइस्ट, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी। तो आप भी फटाफट से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं रागी का चॉकलेट स्लाइस केक। मैं इस केक को गैस पर बनाऊंगी। तो मैंने गैस पर रख दिया है एक बहुत ही बड़ा सा एलुमिनियम का पतीला। 7 से 8 लीटर जितना दूध इसमें आराम से आता है और इसमें मैंने डाल दिया है रेगुलर सॉल्ट। इस सॉल्ट को मैं बार बार बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ और साथ में रख दिया है एक रिंग। और अब इस पतीले को ढक कर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक अवन प्री हीट होता है तो यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं बैटर बनाने की। तो एक बाउल में छानेंगे हम सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर लगा दिया है और स्ट्रेनर में डालेंगे रागी फ्लार 120 ग्राम्स जितना। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कोको पाउडर। ये डार्क कोको पाउडर है, 3 टेबल स्पून्स ले लेंगे। और अब मैं लूँगी यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1/2 TSP और इसके साथ ही डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 TSP। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी का एक सैशे। जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं कॉफ़ी पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करें। कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर ब्रू कॉफ़ी का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। ये मैंने एक बार छाना है, अभी मैं इसे 2 बार और छानूंगी। ये सारे केक फ्लार को छानने से आपका जो केक फ्लार है एयरी हो जाता है और जब आप इसे बैटर बनाएंगे, केक बनेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी फ्लफ़ी बहुत ही अच्छा बनकर आता है। तो इसे कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर छाने। तो मैं यहाँ पर पूरा तो नहीं करके दिखा रही हूँ, 2 बार मैं ऑलरेडी छान चुकी हूँ, अब ये लास्ट टाइम मैं इसे छान रही हूँ। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग कर लिया है। अब ले लेंगे एक बाउल और इसमें करेंगे सारे के सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप जितना वार्म मिल्क। 1 कप ऊपर से पूरा भर कर नहीं लेना है, थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने। और इसके साथ ही डालेंगे यहाँ पे डार्क चॉकलेट। ये मैंने मोडे का कंपाउंड लिया है, 67 ग्राम्स चॉकलेट डालनी है इसमें। आप चाहें तो शुगर फ्री अमूल की चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर। अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्का सा पिंच सॉल्ट भी ज़रूर ऐड करना है। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ देसी खांड 90 ग्राम्स। देसी खांड डायबिटिक फ्रेंडली होती है। आप अगर डायबिटिक हैं या फिर मीठा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप देसी खांड में ये सारी मीठी चीज़ों को बना सकते हैं जो कि बहुत हेल्दी होती है। और अब इसे करेंगे माइक्रोवेव। 10-10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे और अच्छे से सारे के सारे मिक्सचर को चॉकलेट के मेल्ट होने तक मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर डालेंगे रागी फ्लार, जो हमने केक फ्लार पूरा रेडी किया था छान कर, वो पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे और विस्कर की ही हेल्प से इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी मैंने इसमें कोई भी राइजिंग एजेंट नहीं डाला है, तो आप इसे अच्छे से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब मैं विनेगर डाल दूंगी तब आप इसे ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बस जब तक विनेगर नहीं डाला है तब तक इसे अच्छे से मिलाएं, एकदम स्मूथ बैटर इसको बना दें। रागी फ्लार को, केक फ्लार को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म करके एकदम स्मूथ बैटर इसे बनाकर रेडी करना है। तो ये देखिए बैटर एकदम स्मूथ हो गया है। अब लास्ट काम इसमें रह गया है विनेगर डालना। विनेगर डालते ही इस बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें छोटी छोटी बबल्स नहीं आने लगती हैं। तो देखिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 TSP जितना विनेगर, और अब इसे क्विकली मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें छोटी छोटी बबल्स नहीं उठने लगती हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, विनेगर डालने के बाद आप इसे क्विकली बेकिंग टिन में डालकर बेक करने के लिए रखेंगे, तो बेकिंग टिन को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। विनेगर डालने के बाद उसे प्रिपेयर करने के लिए नहीं बैठना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड का टिन, 7.5 और 3.5 इसकी मेजरमेंट है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ब्रेड के टिन में स्लाइस केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से बैटर डाल दिया है और अब मैं इस टिन को प्री हीटेड अवन में फटाफट से बेक होने के लिए रख दूंगी। इसको टैप नहीं करना है, बिना टैप किए इसे अवन में रखना है। और अब मैं लो से मीडियम पर गैस को रखूंगी और 50 से 55 मिनट्स तक इस केक को बेक होने दूंगी। उससे पहले इसे खोलकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि केक की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम लिक्विडी है। लिक्विडी बैटर्स को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए 50 से 55 मिनट्स मेरे हो चुके हैं। उसके बाद ही मैं आपको एक बारी केक में टूथपिक डालकर दिखा रही हूँ, और टूथपिक एकदम क्लीन निकल कर आ रही है। तो बस ये केक मेरा बनकर रेडी हो गया है। लो से मीडियम का फ्लेम आपको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप केक को सबसे बड़े बर्नर पर बना रहे हैं तो फ्लेम को एकदम लो पर रखें, और अगर आप बना रहे हैं मीडियम बर्नर पर तो फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में सेट करें। हाई पर केक को बिल्कुल नहीं बनाना है, धीरे धीरे केक बनता है तो अच्छा बनता है। तो बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। तो मेरा यहाँ पर केक अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अब इसे करेंगे डीमोल्ड। ये रागी का केक है, रागी फ्लार डेलिकेट फ्लार होता है, तो केक को पूरी तरह से ठंडा होने देना है तभी डीमोल्ड करना है। गरम गरम में डीमोल्ड करेंगे तो केक आपका टूट जाएगा। तो ये देखिए मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब फटाफट से इसके ऊपर से बटर पेपर हटाएंगे। बटर पेपर ज़रूर लगाएं क्योंकि मैंने इसमें चॉकलेट भी डाली है, और अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो चॉकलेट नीचे चिपक सकती है टिन के ऊपर। बस अब धीरे 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 इसका बटर पेपर हटाएंगे और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी ग्लूटेन फ्री केक बनकर घर पे रेडी हो जाता है। आप बाहर के सारे केक्स भूल जाएंगे अगर आपने इस केक को खा लिया। मैदे वाले केक आपके बच्चे खाना छोड़ देंगे। इस तरीके से बना के खिलाएं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी एक बार खाएंगे तो बार बार आपसे मांगेंगे, ये इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। और चॉकलेट की जो क्वांटिटी मैंने इसमें डाली है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि केक्स में चॉकलेट चॉकलेट बहुत ज़्यादा आती है तो अच्छी नहीं लगती, बैलेंस होती है तो टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने पूरा बटर पेपर हटा दिया है इसके ऊपर से, और अब मैं इसको कर लेती हूँ सीधा। उसके बाद इसके कट करेंगे स्लाइसेस। एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट टेस्टी केक बनकर रेडी हो गया है। आप यहाँ पर वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालने से क्या होता है कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो फाइन कट्स नहीं निकल कर आएंगे, वो ड्राई फ्रूट्स बीच में आते हैं और आपका केक टूट जाता है। तो ऐसे ही इसे खाएं, आपको इसका टेक्सचर एकदम मड केक जैसा लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये केक एगलेस है, ग्लूटन फ्री है, आप जब चाहें इसे बनाएं और खाएं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की अच्छी टेस्टी और हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए।